आरक्षण विरोधी आंदोलन चलाने का काम प्रचार माध्यमों ने किया, प्रचार माध्यम ब्राह्मण बनिया लोगों के नियंत्रण में है, एक बात। दूसरी, जिन डॉक्टरों ने और स्टूडेंट्स डॉक्टरों ने ये आंदोलन रास्ते पर उतर कर चलाया, वो चलाने वाले लोग भी ब्राह्मण बनिया और राजपूत और क्षत्रिय वर्ण से संबंधित लोग थे। दूसरी बात। तीसरी बात, वर्तमान जो केंद्र सरकार है, उन्होंने अर्जुन सिंह को सामने किया। अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश का एक संस्थान का राजा का राजपुत्र है, राजा का बेटा है। जैसे वीपी सिंह राजा का बेटा है, अर्जुन सिंह भी राजा का ही बेटा है। और ये और अर्जुन सिंह राजपूत है। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया और अर्जुन सिंह को सामने करके इसका श्रेय लेने की कोशिश की। तीसरी बात, तीन बातें हमारे सामने। आरक्षण विरोधी आंदोलन चलाने वाले लोग ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम के लोग, एक। यानी आरक्षण विरोधी आंदोलन चलाने वाले प्रचार माध्यम के लोग ब्राह्मण बनिया ऊंचे जाति के लोग, इसका विरोध करने वाले सड़क पर ऊंचे जाति के लोग, विरोध करने के लिए ऊंचे जाति के लोगों ने दो मोर्चे खोले, एक प्रचार माध्यम के द्वारा मोर्चा खोला और एक सड़क पर उतरकर विरोध करने के लिए मोर्चा खोला। टोटल तीन मोर्चे खोले गए, दो मोर्चे विरोध करने वाले हैं वो दोनों ऊंचे जाति के लोगों के हैं, और तीसरा मोर्चा जो कांग्रेस ने अर्जुन सिंह के माध्यम से खोला वो भी ऊंचे जाति का है। तीसरा मोर्चा समर्थन करने के लिए खड़ा किया, दो मोर्चे विरोध करने के लिए खड़े किए। ये तीन प्रमुख बातें हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर 16 नवंबर 92 को सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन के समर्थन में जो जजमेंट दिया, अगर सरकार इसके अमल करने का आदेश निकालती है, तो जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल पहले निर्णय दिया उसको अमल करने का यह कार्यक्रम अगर वो करती है, तो कांग्रेस को इसका श्रेय नहीं मिलता। देखो, राजनीति में समझा रहा हूं आप लोगों को, राजनीति सबके समझने की बात नहीं है। अगर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का जो मंडल कमीशन का जजमेंट है 16 नवंबर 92 का, अगर उसको अमल करने के लिए आदेश निकालती है, तो जिन्होंने मंडल कमीशन के समर्थन में आंदोलन चलाया श्रेय उनको मिलेगा। अगर अर्जुन सिंह लागू करते हैं तो, केंद्र सरकार लागू करती है तो, अगर आदेश निकाल दिया जाता है और आदेश निकालने वाले लोग ही आरक्षण के विरोध में आंदोलन शुरू करते हैं, और जब आरक्षण विरोधी आंदोलन चलेगा उस समय अगर कांग्रेस समर्थन करती है तो श्रेय कांग्रेस को मिलेगा। राजनीति कुछ समझ में आ रही है? सोलह नवंबर 92 का जजमेंट लागू करती है तो श्रेय 16 नवंबर का आंदोलन चलाने वाले लोगों को मिलेगा। कांग्रेस ने प्लान बनाया श्रेय हमको मिलना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, आरक्षण लागू करने का आदेश निकाला और आरक्षण विरोधी आंदोलन भी कांग्रेस ने शुरू किया। जब आप बोलेंगे कैसा,
82 में गुजरात में आरक्षण विरोधी आंदोलन जब चला तो उसके विरोध में जस्टिस दवे कमीशन नाम का कमीशन बना। जस्टिस दवे कमीशन ने रिपोर्ट में लिखा, कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने मिलजुल कर आरक्षण विरोधी आंदोलन चलाया। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अखबारों में खबर पड़ी होगी, 5 स्टेट का विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया 8 मई को, और 8 मई को जब संपन्न हुआ उसके तीसरे दिन जब रिजल्ट आया तो दिल्ली में जिन 2 डॉक्टरों ने सबसे पहले इसके विरोध में आंदोलन शुरू किया था उन्होंने आंदोलन पीछे लेने का ऐलान किया। वो डॉक्टर किसके इशारे पर आंदोलन चला रहे थे? कांग्रेस के इशारे पर। कांग्रेस ने कहा विरोध करो, विरोध कर दिया। कांग्रेस ने कहा अब चुनाव समाप्त हो गया है, अभी मामला हमारा खत्म हो गया है, पीछे ले लो, पीछे ले लिए। तब तक ये आंदोलन दूसरे लोगों के नियंत्रण में चला गया, दूसरे लोगों ने इसको पीछे लेने के लिए इनकार कर दिया। तब तक बीजेपी ने अपना खेल करने की योजना बनाई। कांग्रेस ने 5 विधानसभाओं में फायदा लिया, अब बीजेपी ने सोचा उत्तर प्रदेश में फरवरी में चुनाव है, अगर ऊंचे जाति के लोगों का आरक्षण विरोधी आंदोलन चालू ही रहता है तो कांग्रेस को ऊंचे जाति के जो वोट बेस है वो हाथ धोना पड़ेगा, तो उत्तर प्रदेश में ऊंचे जाति का वोट बेस बीजेपी के तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में हाई कास्ट लोगों का वोट बेस अपने तरफ शिफ्ट करने के लिए चुनाव के बाद में विधानसभा के बीजेपी ने आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। तो कांग्रेस को समझने में देर नहीं लगी कि ये आंदोलन अब स्टूडेंट लोगों के हाथ में नहीं है, पर्दे के पीछे बीजेपी के हाथ में है। बीजेपी के लोग हाई कास्ट के लोगों को कांग्रेस के विरोध में भड़काने का अभियान कर रहे हैं। जैसे ही कांग्रेस को पता चला, कांग्रेस ने आस्कर फर्नांडिस को बच्चों के साथ डॉक्टरों के साथ बातचीत करने पर लगाया, फिर मंत्रियों की समूह की समिति बनाई उनको बात करने पर लगाया, प्रणब मुखर्जी कमेटी बनाई फिर उनको बात करने पर लगाया, प्रधानमंत्री के साथ उत्ती वार्ता करवाई, यानी कांग्रेस ने सारी कोशिशें और सारे संकेत इस तरह से देने का प्रयास किया कि हम लोग आरक्षण के समर्थक, यानी जब भी कांग्रेस ने स्टूडेंट और डॉक्टरों से बात करवाया तो अर्जुन सिंह को उसमें नहीं रखा, कमिटियां दूसरी बनाई और विरोधी लोगों से उनसे बात करवाया, अर्जुन सिंह को समर्थन में ही रखा। 2 डगरी पर हाथ रखना समझ रहे हो ना, कि अर्जुन सिंह को जब वो लोग बच्चों से और डॉक्टरों से बात करते तब फिर अर्जुन सिंह बयान देते कि आरक्षण पर हम लोग ठाम हैं, वो उनसे बात करते उनको संकेत देते भाई हम आपके विरोध में नहीं है। बीजेपी ने उनको विरोध में भड़काने का अभियान चलाया, कांग्रेस को समझने में देर नहीं लगी तो हाई कास्ट को भड़काने का जो अभियान चलाया उस पर पानी डालने के लिए कांग्रेस ने कमेटियां बार बार बनाई और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी उनसे बात करवाया। यह अंदरूनी राजनीति। इसका मतलब है आरक्षण विरोधी आंदोलन कांग्रेस ने चलाया, विरोधी आंदोलन चलाने से समर्थन करने वाले की भूमिका एकदम सामने आई। अगर आरक्षण विरोधी आंदोलन खुलकर नहीं चला होता तो कांग्रेस हमारे समर्थन में है ऐसा मैसेज ओबीसी एससी एसटी में नहीं जाता, लोगों में मैसेज गया कि आरक्षण विरोध करने वाले लोग कोई और है, समर्थन में कांग्रेस सरकार है। ये मैसेज गया सारे देश भर में, ये मैसेज गया। अब सवाल है क्या वास्तव में कांग्रेस